स्टूडेंट्स, अब हमारे चैप्टर के तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने अम्लशाज की तीनों अवधारणाओं के बारे में देखा था। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे तीसरे लेक्चर के टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। क्या है पीएच स्केल? यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पूरा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके ऊपर। तो अगला टॉपिक है हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल, इसकी जो साइंटिस्ट है यानी जिसने इसको इन्वेंट किया था, इसका जो आविष्कारक है वो है सोरेनसन इसके साइंटिस्ट है। अब सोरेनसन अंकल तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको अब पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम अब डिस्कस करते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं पोटेंज का मतलब क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। तो इसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की शक्ति या H+ ion की शक्ति। ये जो है ये नेगेटिव लॉग ऑफ यानी कि ऋणात्मक लघुगुणक, क्या होता है? ऋणात्मक लघुगुणक होता है H+ ion का। इसके अंदर हम केवल और केवल हमारी हाइड्रोजन आयन यानी जो H+ ion है उसकी सांद्रता के बारे में ज़्यादा देखते हैं। ये मोस्टली केवल और केवल H+ ion की सांद्रता के ऊपर बनाया गया था कि कहाँ पर इसकी H+ ion की सांद्रता ज़्यादा होती है और कहाँ पर कम होती है। तो ये स्केल हमारे कुछ इस तरीके से दिखती है। तो देखिए, मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसमें सबसे पहले तो देखिए कि 0 से लेके 14 तक डिजिट होती है। कहाँ तक होती है? 0 से लेके 14 तक डिजिट होती है। तो अब इस स्केल को मैं बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये हो गया 0, ये हो गया 14, 0 से 14। 0 को ज़्यादा बड़ा है तो उसे छोटा कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इन दोनों के बीच में एक डिजिट आती है 7। क्या आती है? 7। अब इसका सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या H+ ion। इसका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या था? कि ये नेगेटिव लॉग ऑफ H+ ion के लिए होता है, यानी कि हम इसमें कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ H+ ion आता है इसमें, यानी कि H+ ion की सांद्रता के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें 0 से लेके 14 तक डिजिट होती है। अब इसका जो अगला पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि इस स्केल में हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं, किधर से? 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है अम्ल। क्या मिलता है? अम्ल। और 7 से 14 यानी कि 14 की तरफ हम जाएंगे तो हमें मिलेगा क्षार। यानी कि 0 पे तो हमें मिलेगा अम्ल और 14 पर हमें क्या मिलेगा? क्षार। अब एक बात मैं यहाँ बताने चाहूँगा आपको कि फिक्स 0 अगर किसी विलियन की पीएच स्केल में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो एक प्रबल होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। अगर उस स्केल के अंदर 14 डिजिट आ जाती है तो वो जो विलियन है एक प्रबल क्षार होगा। क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 7 है वो बिल्कुल उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। यानी 7 पर अगर किसी विलियन को देखा जाए तो वो विलियन क्या होगा? पीएच स्केल के अंदर उदासीन होगा। यानी उसका जो नोटिफिकेशन आएगा, जो डिजिट अंकित होगी उस स्केल के ऊपर, वो क्या होगी? 7 होगी। इसमें कुछ वेरिफिकेशन यानी कि कुछ भेद आता है, तो वो भेद किस तरीके से है तो वो देखिए। देखिए, इस स्केल के मैंने कुछ पार्टीशन कर दिए, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट।
यहाँ पर जो डिजिट होती है वो होती है 3.5 समथिंग होती है, यहाँ पर होता है 10.5 समथिंग। तो देखिए यहाँ पर 3.5 और 10.5 का क्या लॉजिक है कि 3.5 से 0 की तरफ बढ़ने पर हमें हमेशा प्रबल अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? प्रबल अम्ल मिलता है। अगर हम 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल इसलिए क्योंकि ये लगभग 7 के पास में आने लग जाते हैं। और अगर मैं 7 से 10.5 की तरफ जाऊंगा तो मुझे मिलेंगे दुर्बल क्षार। और 10.5 से मैं 14 की तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेंगे? प्रबल अम्ल, सॉरी प्रबल क्षार। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर कि एक पॉइंट यहां पर ये आता है कि 7 से 0 की तरफ जाने पर सोरेनसन ने क्या बताया था कि 7 से 0 की तरफ जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो हमने केवल सांद्र पढ़ा था, अब ये सांद्रता क्या होता है? सांद्रता का मतलब यहाँ पे पावर से है। किससे है? पावर से। तो जब हम 7 से 0 की तरफ आते हैं तो H प्लस आयन की पावर बढ़ती है, यानी जो विलयन है वो अम्लीय होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? अम्लीय। तो जैसे ही हम 0 पे आएंगे तो वो प्रबल अम्लीय विलयन हो जाएगा। 7 से 14 की तरफ जाएंगे, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगी? OH माइनस आयन की सांद्रता। क्या बढ़ती है? OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है, यानी जो विलयन होगा वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि 7 से 0 की तरफ अम्लीय प्रकृति होगी, 7 से 14 की तरफ कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। अब आपको ये स्केल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये स्केल क्या है। अब स्केल के हम कुछ पॉइंटों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच क्या क्या होती है और किसकी कितनी होती है। तो मैं बता दूं आपको कि 7 से नीचे हमेशा क्या आएंगे? अम्ल आएंगे, और 7 से ऊपर हमेशा क्षार आएंगे। जो जल है, क्या है? जल, यानी H2O, इसकी जो pH होती है वो हमेशा 7 होती है। क्या होती है? 7। जी हाँ बिल्कुल, जल एक उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का विलयन होता है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों ही होता है, इसलिए ये क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है, इसलिए इसकी pH क्या होती है? 7 होती है। तो जो सोरेनसन थे उन्होंने ये पूरी स्केल कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करी थी। उन्होंने इसके अंदर ऋणात्मक लघु गुणक हाइड्रोजन आयन का दिया था, जो गणितीय रूप में हमारे इसके कैलकुलेशन में काम आता है। अब हम इसके कुछ उपयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। पीएच स्केल का पहला उपयोग यह है कि उदर में, यानी आमाशय में, अम्लता का कैसे क्या पता लगाया जाता है पीएच द्वारा, तो वो देखिए। उदर का मतलब होता है आमाशय, यानी पेट आपका, स्टोमक, जिसमें अम्लता बढ़ जाती है, यानी एसिडिटी जब आपको होती है तो वो कैसे होती है? तो मैं इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। ये क्या है? आपका आमाशय। क्या है? आमाशय। अब आपको लग रही है भूख, रात के 12 बज रहे हैं, अब आप खाए जा रहे हो धमाधम धमाधम, तरह तरह की मिर्ची खा रहे हो, तीखा खाना खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, जो आपकी मर्जी पड़े खा रहे हो। क्या खा रहे हो? जो भी आपकी मर्जी पड़े खा रहे हो, आपके मुंह में जो आ रहा है वो खाए जा रहे हो, आपकी इच्छा हो रही जो खाए जा रहे हो।
अब आमाशय के अंदर मैंने बताया था जठर रस होता है, क्या होता है जठर रस। ये जो जठर रस होता है ये होता है HCl, क्या होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो जठर रस होता है वो बहुत पावरफुल एसिड होता है, अगर आप आपके आमाशय में हाथ डालोगे तो आपके कंकाल बाहर आएंगे इससे। तो देखिए कि जब आपने इतनी सारी मिर्ची खाई, इतना सारा स्पाइसी फूड खाया, तो पेट में क्या होगा, अम्लीयता बढ़ने लग जाएगी, आपके आपके पेट में एसिडिटी होने लग जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिटी यानी अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ती है आपके, अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ेगी तो आपके पेट में जोरों से जलन होगी, पेट में दर्द होगा। तो इस अम्लीयता को उदासीन करने के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है अम्ल, ये एक अम्ल है। अब इस अम्ल को उदासीन करना, आपको क्या करना है, उदासीन करना यानी इसे निष्क्रिय करना है। तो इस अम्ल को उदासीन करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, क्षार लेना पड़ेगा। जैसा कि हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में पढ़ते हैं, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनता है। तो वो जो लवण है वो क्या होगा आपका, MgOH। आप इस लवण का यूज़ करेंगे, सॉरी ये जो क्षार है इसका यूज़ करेंगे। ये जो क्षार है इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे साधारण भाषा में आप इनो भी कह सकते हो। आप जो इनो लेते हो एसिडिटी होने पर, वो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार होता है जो आपकी पेट में उपस्थित, उदर में उपस्थित, आमाशय में उपस्थित HCl से अभिक्रिया करता है और उस एसिडिटी यानी अम्लीयता को शांत करता है। अब इसका हम सेकंड उपयोग लेते हैं कि सेकंड उपयोग क्या है, तो वो दंत शयन में। दंत शयन का मतलब होता है दांतों के क्षय को कैसे पता लगाया जाता है कि दांत के आपके क्षय हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका pH स्केल से कैसे उपयोग होता है। तो देखिए आपने रात में खाना खाया, कहाँ से खाओगे, मुंह से, 12 बज रहे हैं, भूख लग रही है आपको, तो खाने से मतलब है। अब आपने खाया खाना मुंह से खाया, तो आप मुंह से खाना खा रहे हो तो कुछ भोजन आपके कहाँ लग जाएगा, दांतों में। बिल्कुल लगेगा, कहाँ लगेगा, दांतों में। तो ये देखिए मैं आपके दांत बना रहा हूँ, दांत भले थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन दांत है। तो ये जो दांत है आपके, इनके बीच में क्या हो जाएगा, आपके भोजन फंस जाएगा। देखिए ये मैं जो बना रहा हूँ ब्लैक डॉट, ये क्या है आपके भोजन। अब हम ठहरे भारतीय, दिन में केवल एक बार ब्रश करने की आदत रही है हमारे, तो ये जो भोजन होगा पूरी रात आपके जो जीवाणु होंगे मुंह के, से क्रिया कर आपके मुंह की जो pH होती है उसको 6.5 से गिराकर 5.5 पर ला देगा। कहाँ पर ला देगा, 6.5 से गिराकर 5.5 पर। तो आप देखते हो कि आपका मुंह कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अब उस अम्लीयता के कारण, अब इस अम्लीयता के कारण क्या होगा, आपके जो दांतों का इनेमल है यानी जो आपके सफ़ेद सफ़ेद चमकते दांत है ना, वो पीले होने लग जाएगा, यानी दांतों का जो इनेमल है वो टूटने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद या रात में भोजन करने के बाद ब्रश कर सोना चाहिए, जिससे क्या हो, वो जो मुंह की pH है 6.5 से गिरकर 5.5 ना हो। इस तरीके से हम मुंह की pH को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों उपयोग समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले उपयोग के बारे में। तो अगला उपयोग हमारा ये है कि
कीड़ों द्वारा जो डंक लगाया जाता है, जैसे लाल चींटी के डंक हो गए, मधुमक्खी के डंक हो गए, तो उनमें जो अम्ल होता है वो किस तरीके का होता है या कितनी पीएच होती है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। हमारा थर्ड उपयोग हो गया कीटों के डंक। क्या हो गया? कीटों के डंक। कीटों के डंक में पीएच का उपयोग कैसा होता है, तो देखिए आप सभी ने लाल चींटी का नाम तो सुना ही होगा। सुना है या नहीं सुना है? सुना ही होगा जरूर आपने। क्यों? क्योंकि लाल जो चींटी होती है वो जब डंक मारती है तो वो एक एसिड छोड़ती है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड, जिसका सूत्र कुछ इस प्रकार होता है कि HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड है, ये हालांकि इतना जानलेवा नहीं होता, लेकिन जब जैसे ही चींटी आपके शरीर पे काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, तो वहां पर क्या होता है? जलन होती है हमारे। क्या होती है? जलन। तो ये जो अम्ल है ये कैसा है? थोड़ा कार्बनिक अम्ल है, ये इतना हार्मफुल नहीं होता, तो इसको शांत करने के लिए या इसको उदासीन करने के लिए हम क्षार का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? क्षार का। और वो क्षार जो होगा हमारा होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का हम इसमें यूज़ करेंगे, या हम इसमें सोडियम बाई कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इससे अभिक्रिया कर क्या करेगा? उसे उदासीन कर देगा, जहाँ हमारे जलन हुई है उससे उदासीन कर देगा। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा चींटियों का डंक किस प्रकार हम उसे उदासीन कर सकते हैं। अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। कि अम्लीय वर्षा में पीएच का क्या यूज़ है? अब आप सोचेंगे कि अम्लीय वर्षा भी होती है कि नहीं होती है? जी बिल्कुल होती है। अम्लीय वर्षा ऐसे होती है क्योंकि आजकल देखिए वर्तमान में प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्या हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या हो गई? बढ़ गई है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है? जो हमारा वर्षा जल होता है वो अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। वैसे जो वर्षा जल की जो पीएच होती है वो होती लगभग 6.6 के आसपास होती है, लेकिन जैसे ही ये वातावरण में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है वो थोड़ा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ये एक अम्लीय है, जैसे आपकी स्किन के ऊपर गिरेगा तो आपकी स्किन को जलाना स्टार्ट कर देगा। हालांकि ये कार्बनिक है फिर इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन आपकी स्किन पे जलन होने लग जाएगी। तो हमें पता चल गया है कि हमारे वातावरण को जब हम शुद्ध रखेंगे तो ही हमारे यहाँ अम्लीय वर्षा नहीं होगी। क्लियर? अब हम इसके अगले उपयोग के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो अगला उपयोग है वो है मिट्टी में पीएच। मिट्टी में पीएच से मतलब है कि अगर आपके मिट्टी की पीएच 7 से ऊपर है, किससे? 7 से ऊपर, यानी कि आप ले सकते हो 14 के पास में जा रही है, या आप ले लीजिए 7.8, तो जो मिट्टी की प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। कैसी होगी? क्षारीय होगी। अगर मिट्टी की पीएच 6.5 है तो जो मिट्टी की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? अम्लीय होगी। कैसी होगी? अम्लीय। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई नई फसल बो नई फसल जब बोई जाती है तो पीएच टेस्ट कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? पीएच टेस्ट कराना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि मिट्टी की अम्लीयता कितनी है, क्षारीयता कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें नई फसल बोनी चाहिए या उस मिट्टी के अकॉर्डिंग हमें फसल बोनी चाहिए। आई होप आपको ये पीएच स्केल समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल है क्या, इसके उपयोग क्या हैं। अब हम इसके अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे
कुछ यौगिकों के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। पीएच स्केल से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए और डाउट लिखकर भेजिए। थैंक यू।